नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल हूँ। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको प्रेगनेंसी में कोविड हो गया तो हम क्या करें। सबसे पहले तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है आपको। 80% कोविड के पेशेंट अपने आप ठीक हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी घबराए नहीं। अपनी मेंटल स्टेबिलिटी बना के रखें। घर पे एक या दो लोगों को ऐसे बात करने के लिए रखें जो आपको पूरी तरह से आपके साथ बातचीत करने के लिए, पूरी तरह आपको मानसिक संबल देने के लिए तैयार रहें। दूसरा, आपको अब अपनी एक टीम तैयार करनी है डॉक्टर्स की। उस टीम में कौन कौन होगा? आपके ऑब्स्टेट्रिशियन यानी जो डिलीवरी वाली डॉक्टर हैं, आपके चेस्ट फिजिशियन यानी जो कोविड में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है वो आपको देखेंगे, न्यूनेटोलॉजिस्ट यानी बच्चों के डॉक्टर अगर कुछ दिक्कत होती है वो, और एक हॉस्पिटल का अगर कुछ एडमिशन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रख के चलनी है। अब हमें सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि हमें प्रेगनेंसी में कोविड हो गया ये कैसे पता चलेगा। हर किसी को पता है फीवर आ सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, खांसी हो सकती है, लॉस ऑफ स्मेल यानी सूंघने की क्षमता ख़त्म हो सकती है या आपका टेस्ट पूरा ख़त्म हो सकता है, डायरिया यानी कि बार बार लूज मोशंस हो रहे हैं, हाथ पैरों पे लाल निशान आ रहे हैं, या फिर कई बार प्रेगनेंसी में ऐसा भी होता है कि दर्द पेट में होना शुरू हो जाता है। लोग जिसको समझते हैं कि लेबर पेन हो रहा है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने पे पता चलता है कि लेबर पेन नहीं है, यह एक कोविड का लक्षण है। अपने आप में टायर्डनेस यानी बहुत ज़्यादा थकान होना, कई बार प्रेगनेंसी में ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि टायर्डनेस प्रेगनेंसी की वजह से है कि कोविड की वजह से, लेकिन आपको कुछ भी अनयूजुअल लग रहा है इस वक्त, बेहतर है कि आप कोविड का टेस्ट कराएं। कोविड का टेस्ट 3 तरह का होता है। कोविड एंटीबॉडी, जिसका कोई रेलिवेंस नहीं है हम इस इन्फेक्शन को नोट कर सकें इस चीज़ के लिए, यह पुराने इन्फेक्शन को बताता है। दूसरा, कोविड एंटीजन टेस्ट, जिसको कार टेस्ट होता है, 15 से 20 मिनट में जिसकी रिपोर्ट आ जाती है। ये अगर 100 लोगों को कोविड है तो 30 या 40 लोगों में पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब पॉजिटिव। और तीसरा होता है RT-PCR और CBNET टेस्ट, जो 100 में से 70-80 लोगों के साथ पॉजिटिव आता है। अब इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अगर एक बार टेस्ट पॉजिटिव है इसका मतलब टेस्ट पॉजिटिव है। कई बार हमें ये कन्फ्यूज़न होता है कि अभी तो टेस्ट पॉजिटिव है आज, कल हमने दोबारा कराया तो निगेटिव है, इसका मतलब पहले की रिपोर्ट गलत है। तो ऐसा बिल्कुल भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार टेस्ट अगर पॉजिटिव है इसका मतलब टेस्ट पॉजिटिव है, निगेटिव टेस्ट की इतनी रेलिवेंस नहीं है। अब बात हमारी हो गई यहाँ तक कि हमें पता चल गया कि हम कोविड पॉजिटिव हैं। 80% पेशेंट्स अपने आप ठीक हो जाते हैं। आपको हाइड्रेशन अच्छी तरह से रखना है। हाइड्रेशन मतलब आपको 4 से 5 लीटर लिक्विड्स लेने हैं। लिक्विड्स किस तरह से आप ले सकते हैं? पानी, दूध, छाछ, जूस, नींबू पानी, नारियल पानी, आपको ये लेते रहना है। बहुत ज़रूरी है कि आप अपना हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रखें। कोशिश करें कि अपनी बॉटल्स 3 बॉटल पानी की अपने पास रख लें, और उसके अलावा 6 से 7 ग्लास अपने घर के मेंबर्स को बोल के रखें कि हर एक एक घंटे में आपको जूस, सूप वगैरह कुछ भी देते रहें। इसमें ध्यान रखें कि टी और कॉफ़ी हाइड्रेशन में नहीं आती है। दूसरा, आपको प्रोन पोजीशन, पेट के बल लेटना। हम सब ने इस कोविड एरा में सीखा है कि पेट के बल जब भी लेटते हैं तो लंग की कैपेसिटी यानी ब्रीदिंग अच्छी होती है। कई बार ये दिक्कत होती है कि प्रेगनेंसी अगर 7वें 8वें महीने में है तो पेट में लेटने में दिक्कत जाती है, और कई बार हमें ये भी लगता है कि पेट के बल अगर हम लेटेंगे तो बच्चे को नुकसान होगा। बिल्कुल इस चीज़ के लिए नहीं घबराएं। आप पिलो के सपोर्ट के साथ पेट के बल लेट सकते हैं, और बच्चे के आसपास पानी का एक बहुत बड़ा कुशन होता है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल नहीं डरें कि अगर आप पेट के बल लेटेंगे तो बच्चे को तकलीफ होगी। पेट के बल आप बिल्कुल लेट सकते हैं। अगर आप 4 से 5 घंटे लेटते हैं प्रोन पोजीशन में तो ये आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा आपको अपना ध्यान रखना है ये देखने के लिए कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है जिससे हॉस्पिटल में आपको एडमिशन की ज़रूरत पड़े। एडमिशन की ज़रूरत कब पड़ती है हम सभी को पता है। सैचुरेशन अगर 94% से कम है, आप सैचुरेशन दिन में 4 बार आपको चेक करना है, और 6 मिनट वॉक टेस्ट यानी कि आपको 6 मिनट वॉक टेस्ट करके देखना है, 6 मिनट चल के देखना है, और उसके बाद सैचुरेशन चेक करना है। अगर 4% से कम कर हो रहा है तो इसका मतलब आपको एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है। सांस लेने की गति बहुत ज़्यादा हो रही है, फीवर 3 दिन से ज़्यादा ऊपर हो गए हैं या फिर 101 से ऊपर बना हुआ है, पल्स रेट 100 से ऊपर हो रही है,
या फिर और कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि दर्द होना या डायरिया पूरे टाइम बने रहना। इसमें हमें ये चीज़ ध्यान देनी है कि जब भी प्रेगनेंसी में कोविड होता है तो प्रीटर्म लेबर यानी समय से पहले डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। जब भी प्रेगनेंसी में कोविड हो रहा है, एंटीबायोटिक आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि एंटीबायोटिक हमें देनी है तो क्या देनी है। यूजली जो अभी कोविड एरा में हम एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं, एजिथ्रोमाइसिन, वो पूरी तरह से प्रेगनेंसी में सेफ़ है, ये आपके डॉक्टर का डिसीजन है। दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में, वो ये हैं कि प्रेगनेंसी अपने आप में थ्रोम्बोजेनिक स्टेट है, यानी कि क्लॉट्स बनते हैं। हम सभी अभी न्यूज़पेपर्स में देख रहे हैं कि कोविड की वजह से थ्रोम्बस बन के कुछ कुछ पेशेंट्स में प्रॉब्लम हो रही है और प्रेगनेंसी में भी थ्रोम्बस बनते हैं। इसलिए ये रिकमेंडेड है कि प्रेगनेंसी में थोड़ा सा खून पतला करने के इंजेक्शन दिए जाएं। ये इंजेक्शन आपके डॉक्टर निर्धारित करेंगे कि कितने दिन तक चलने हैं। यूजली 15 दिन से एक महीने तक भी चल सकते हैं। ये एक छोटी सी चमड़ी में लगने वाले इंजेक्शन है। सबने अपने घर पे देखा होगा कि इंसुलिन के इंजेक्शन जैसे लगते हैं, वैसे दिन में एक बार ये इंजेक्शन लगने होते हैं। अपने डॉक्टर से इन इंजेक्शन्स के बारे में ज़रूर संपर्क करें। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस हैं, इसलिए अपने डॉक्टर से फीटल लंग मैच्योरिटी के इंजेक्शन यानी कि स्टीरॉयड, एंटीनेटल स्टीरॉयड, दो डोजेज लगती हैं 24 घंटे के अंतर से। उसके बारे में बात करें कि अगर समय से पहले डिलीवरी की ज़रूरत पड़ती है तो कम से कम आपके बच्चे के लंग मजबूत हों। अपनी पूरी टीम तैयार रखें और पैनिक नहीं करें। बहुत ज़रूरी है कि घर पे किसी एक ऐसे सदस्य को जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो चुका हो, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन की ड्राइव में सेकेंड वैक्सीनेशन वाले भी बहुत सारे लोग हो चुके हैं, तो ऐसे किसी सदस्य को तैयार रखें। कभी कुछ इमरजेंसी हो जो आपके साथ हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो सके। और घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। 80% पेशेंट्स कोविड के अपने आप ठीक हो जाते हैं।